अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप कोइन बाय एंड सेल करना चाहते हैं या विदाउट इन्वेस्टमेंट फ्री ऑनलाइन अर्निंग के वाले से अपडेट लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आपने उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। जी, टेलीग्राम के एक और वेरीफाइड एयर ड्रॉप के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है जी टाइम फार। काफ़ी सारे लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं और जो न्यू लोग हैं वो भी इसको इसका जो तरीक़ाकार है वो समझ लें। इसका लिंक आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो आपको लिंक वहां से भी मिल जाएगा। वो लिंक आप लोगों ने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद टेलीग्राम पे आना है। टेलीग्राम पे आप लोगों ने वो लिंक सर्च बार में आके पेस्ट कर देना है। जो फर्स्ट वाला बोट है आप लोगों ने ये वाला ओपन करना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों के पास स्टार्ट का बटन आएगा, फिर नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ओपन ऐप का। नीचे यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रही है आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे ना आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो चुका है, आपका अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद इस तरह का आपके पास पेज शो होगा। सबसे पहला काम आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट का बटन आ रहा है, आप लोगों ने यहाँ पर अपनी जो माइनिंग है ना वो स्टार्ट करनी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो माइनिंग सेशन है वो यहाँ पर चल पड़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टाइम है ना वो भी यहाँ पे टाइमर हमारा चल रहा है। 4 घंटे का हमारा जो टाइम है ना वो चल रहा है। एक तरीका तो ये है कि हर 4 घंटे बाद हमने इसको ऑन करना है। दूसरा तरीका ये है कि नीचे एक ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स इनवाइट का, आप लोगों ने यहाँ पे आना है, फ्रेंड इनवाइट करने। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। और इसका अगर ऊपर पढ़े ना तो यहाँ पर लिखा है कि अर्न 20% फॉर योर डायरेक्ट ड्राइव। अगर आप किसी को इन्वाइट करते हैं और वो रिवार्ड क्लेम करता है, अगर वो वर्क करता है तो उसका 20% आपको मिलेगा। इस तरह इसकी जो अर्निंग है वो लेवल 5 तक है। तो एक दूसरा तरीका ये था। अब एक और तरीका यहाँ पर है कि यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है एक्टिविटी का, यहाँ पे नीचे आप लोगों ने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद जी सॉरी एक्टिविटी को रहने दें, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लीडर बोर्ड का ही शो करा रहा है कि यहाँ पर जो लीडर बोर्ड है वो कौन है। अब यहाँ पे लीडर बोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है अर्न पे, आप लोगों ने सिंपल यहाँ अर्न पे क्लिक करना है। अर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टेकिंग का, दूसरा यहाँ पर है यहाँ पर एक ब्रेकल ऑफ टाइम। तो पहले मैं आप लोगों को स्टेकिंग की तरफ लेके जाऊँगा। यहाँ पर मैं स्टेकिंग पर क्लिक करूँगा। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट पर, यहाँ सिंपल यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे अब 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 डेज़ 15 डेज़ और 45 डेज़। जितनी हम स्टेक करेंगे, जितना डेज़ हम स्टेक करेंगे, अब मैं 3 डेज के लिए अगर स्टेक करता हूँ तो मुझे जो जितने भी मैं क्विंट स्टेक करूँगा वो मुझे सिर्फ 3% मिलेगा। अगर मैं 15 डेज़ के लिए करता हूँ तो 10%, और यहाँ पर अगर मैं 45 डेज़ के लिए करता हूँ तो 35%। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रही नहीं सॉरी इसको मैं बैक आऊँगा। यहाँ पे मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया 45 डेज़, और इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू के बाद वो कहता है कि आप यहाँ पे कितने जो कोइन है वो यहाँ पे स्टेक करना चाहते हैं, 25%, 50%, 75%। अब यहाँ मैंने क्या करना, यहाँ मैक्स पे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। जितने भी मेरे पास कोइन है ना वो सारे के सारे मैं यहाँ पर मैक्स पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने मेरे पास ये वाले कोइन थे ना सारे के सारे अब मैं स्टेक पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे करूँगा। कंटिन्यू पे जाने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरी अमाउंट बन रही है, ये जो मेरी अपनी है। और 45 डेज़ के बाद 35% मुझे मिलेगा, और ये मेरे जो कोइन है यहाँ पर इतने हो जाएंगे। यहाँ पर मेरी जो अर्निंग है यहाँ पर इतनी मेरी अर्निंग यहाँ पर शो हो जाएगी। सिंपल यहाँ पर मैं स्टेक पे अब क्लिक कर दूंगा। अब मेरे जो यहाँ पर है वो इसका आप देख सकते हैं कि टाइम सीजन यहाँ पर चल पड़ा है। ठीक हो गया, एक तरीका ये है कोइन ज़्यादा करने का। और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे बैक जाऊँगा मैं, ये वाला तरीका था ओरेकल ऑफ द टाइम। यहाँ पर एक डेली क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वाला क्वेश्चन है, वो ये पूछ रहा है कि सिंपल लफ्ज़ों में कि पिज़्ज़ा डे कब मनाया जाता है, वो डेट पूछ रहा है। तो आई थिंक 5/22/2010 यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इसको जो डेट है वो। ठीक हो गया, 2010 पांचवा महीना कौन सा होता है,
अब इसको मैं माई पे सेलेक्ट करूँगा, माई और 22 डेट। इस तरह अगर आप लोगों को किसी सवाल का नहीं है पता ना, आप गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाके उसका आंसर ढूँढें, डेट ढूँढें और यहाँ पर आके आप लोग पेस्ट कर दें। ठीक हो गया, यहाँ फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है चेक दी डेट, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर अगर आपका आंसर करेक्ट होगा, जिस तरह ये मेरा आंसर अभी करेक्ट था, तो यहाँ पर मुझे कोइन आप मिल चुके हैं। नीचे क्लेम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लेम पे क्लिक कर दूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें इसका जो डेली आंसर है मिल जाए, तो उसके लिए आप लोगों को हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना वो ज्वाइन करना होगा। इस तरह आप इसका जो आंसर होगा डेली का वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं कि आप लोगों ने इस पर वैलिड कनेक्ट कौन सा करना है और कैसे करना है। अब यहाँ पे वैलिड कनेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है, अब यहाँ पे वैलिड पे भी क्लिक कर सकते हैं और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है टास्क का यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ पर आप टास्क पे भी क्लिक कर सकते हैं। टास्क पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन यहाँ पर, बाकी जितने भी टास्क हैं ना ये वाले, जितने भी टास्क हैं, ये होगा, ये हो गया, जितने भी टास्क हैं आप यहाँ पे सारे कंप्लीट कर सकते हैं और इसके बदले में भी आपको यहाँ पे कॉइन मिलेंगे। अब जब मैं यहाँ पर ये कनेक्ट ऑन वैलेट पे क्लिक करूँगा ना, इसके बदले में भी मुझे ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक हो गया, सिंपल। यहाँ पे मैं स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे अब आ रहा है कनेक्ट यूअर टोन वैलेट, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम का जो वैलेट है ना वो भी यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया, अगर आप लोगों के पास टोन कीपर का वैलेट यहाँ पर बना हुआ है तो आप लोग ये जो वैलेट है टोन कीपर वाला, तो आप ये भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यही टोन कीपर का जो वैलेट है ना यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। अब जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा ये मुझे नेक्स्ट पेज की तरफ लेके जाएगा। ये जो टोन कीपर का मेरा वैलेट है ना, जो ऐप बनी हुई है, ये डायरेक्ट मुझे वहाँ पे ही लेके जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ही ये ओपन होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अब ये जो मेरा टोन कीपर का जो वैलेट है ना वो यहाँ पर इस तरह का ओपन हो चुका है, इस तरह का पेज आएगा। नीचे ऑप्शन आ रहा है जी कनेक्ट वैलेट का, आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर कनेक्ट वैलेट पर क्लिक कर देना है। जो आप लोगों का लॉगिन पासवर्ड है ना वो आप लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड लिखने के बाद इस तरह का पेज जो होगा आपको, जहाँ से आपने काम स्टार्ट किया था वहाँ पे आप लोग बैक वापस चले जाएंगे। ये मेरी जो बोर्ड था बिल्कुल ही वापस आ गया था। अब इस ऐप को मैंने दोबारा ऑन किया, दोबारा ऑन करके सिंपल फिर अगेन से मैं यहाँ पर टास्क पर क्लिक करूँगा, देखूँगा मेरा ये टास्क कम्प्लीट हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आएगा, अभी तक ये प्रोसेसिंग में है। यहाँ पर जैसे ये मेरा कंप्लीट होगा यहाँ पे मैं ये वाला रिवार्ड भी इसका ये क्लेम कर लूँगा। और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है वैलेट का, अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा वैलेट यहाँ पर लगा है या नहीं लगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा वैलेट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और ये थोड़ा सा टास्क में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो जब ये थोड़ा सा टाइम अपना लेगा उसके बाद ये वाला जो रिवार्ड है ना ये रिवार्ड हम वहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। बस इतना सा काम है आप लोगों ने, ये काम इस पर करना है। अगर इसको ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस काम की समझ आ गई होगी। इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए आपका जो अपना ये यूट्यूब चैनल है मुमताज़ ख़ान न्याजी, इसको सब्सक्राइब करना है और साथ घंटी के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।